सीतापुर जिला कारागार में बंद रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर मुश्किलों का पहाड़ बड़ा होता जा रहा है। सरकारी जमीन कब्जाने के संग अन्य करीब दर्जनों मुकदमे झेल रहे आजम खां पर शिकंजा कस दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब प्रवर्तन निदेशालय की टीम सीतापुर जेल में जाकर आजम खां से पूछताछ करेगी। ये टीम कभी भी आजम खां से पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि आजम खां समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के साथ ही अखिलेश यादव की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनकी पत्नी पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर तंजीम फातिमा अब रामपुर से विधायक हैं। उनके पुत्र अब्दुल्ला खां भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन पासपोर्ट तथा बर्थ सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा मामले में उनकी विधायकी चली गयी। अब वो अपने पिता के साथ आजम खां के संग सीतापुर जिला कारागार में बंद है। आजम की विधायक पत्नी तंजीम फातिमा भी सीतापुर जेल में बंद थी, मगर जमानत मिलने से वो बाहर है। आजम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मिलने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय की टीम 20 से 24 सितंबर तक सीतापुर जेल में उनसे पूछताछ करेगी। हालांकि जौहर यूनिवर्सिटी में विदेशी धन मिलने के आजम खां के बयान के बाद इसकी पड़ताल चल रही है। साथ ही ये टीम जमीन की डील से संबंधित पूछताछ करेगी।